तो सबसे पहले खबर आपको हम दिखा रहे हैं हरिद्वार से, जहां के व्यस्त शंकराचार्य चौक पर आज बेकाबू ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। नेशनल हाईवे 58 पर जब पुलिस ने इस गाड़ी को चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया तो उसने पहले गाड़ी भगा ली और आगे रास्ता न देख तेजी से बैक कर निकलने की कोशिश की। इसी दौरान पीछे से स्कूटर पर आ रहे एक पुलिसकर्मी को उसने कुचलकर बुरी तरह घायल कर दिया। काफी दूर तक वो स्कूटर को अपने साथ घसीटता रहा, इसके बावजूद उसने गाड़ी नहीं रोकी और पुलिस वालों की भीड़ के बीच से कार निकालकर भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने कुल 3 पुलिस वालों को घायल कर दिया। एक पुलिस वाले ने तो गाड़ी के ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से शख्स ने पुलिस वालों को कुचला है। रोकने के लिए चेकिंग के लिए रोकने के बजाय ये पुलिस वालों को कुचलता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ चढ़ गया। लेकिन जिस तरह से इसने गाड़ी चलाई और शराब के नशे में था, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला ये शख्स है, इसने 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया और एक पुलिसकर्मी इसके ठीक पीछे स्कूटर पर था जिसे इसने बुरी तरह घायल किया है। हरियाणा नंबर की सेंटो गाड़ी शंकराचार्य चौक पर जब उसको रोका गया, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा था, तो फिर उसने पीछे की तरफ गाड़ी ले गया जबरदस्ती और पीछे से हमारे जो पुलिसकर्मी थे वो उसमें घायल हो गए। फिर जब उसे रोका गया तो फिर उसने आगे को बढ़ा दी, उसमें भी जो है एक पुलिसकर्मी हमारे घायल हो गए।